बुक लेकर आ रहा है कुछ ऐसा जो है वक्त से आगे और कल्पना से परे एक ऐसा रण जिसमें नहीं होगा कोई अस्त्र शस्त्र सवालों का होगा प्रहार जीतेगा वही जिसके पास होगा ज्ञान का भंडार होंगे कई योद्धा हो जो भेदना चाहेंगे चक्रव्यूह को करके हर चुनौती को पार होंगे पुरस्कार पार और जो हर चुनौती को करेगा पार उसी की होगी जय जय कार भूमि है तैयार बस योद्धाओं का है इंतजार हेलो गुड मॉर्निंग ऑल वेलकम टू टेस्ट बुक डॉट कॉम दिस फाइन फॉर करंट अफेयर्स एनालिसिस यस गाइस आई एम ऑडिबल टू एवरीवन सबको आवाज़ आ रही है सबको सुनाई दे रहा है एक बार बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर यस गाइस सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इवेंट्स इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे पर करंट अफेयर इवेंट्स स्टार्ट होने से पहले वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चंस कुछ एमसीक्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं तो कल के लेक्चर में जो हमने करंट अफेयर्स कवर किया था उसके एमसीक्यूज को पहले कवर कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड देन विल स्टार्ट विद आवर द करंट अफेयर्स एनालिसिस ओके यस गाइस चलो जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए एंड अमित साहब वेरी हैप्पी बर्थडे भाई आपकी साहब की आपकी जो भी इच्छा है आपकी जो भी आ, आ, जो भी विशेष है वो सारी पूरी हो जाए इसी उम्मीद के साथ आपको एक बार वापस हैप्पी बर्थडे विश करते हैं तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को एंड यस सो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द क्विज क्विज के ऊपर बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आपके सामने पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा नाउ द uh, सॉरी कमांडर द कसार गोड गोपाल राव पांच डबे रिसेंटली इन अगस्त 2021 ही रिसीव्ड महावीर चक्र इन विच ईयर इनको महावीर चक्र कब मिला था ये आंसर कर दीजिएगा नाउ कैक्टस लीली नाम का एक ऑपरेशन था जहां पे बांग्लादेश को फ्रीडम दिलवाने के लिए हमने वर्क किया था 1970s में मंथ ऑफ दिसंबर में ये कैक्टस लीली ऑपरेशन था उस ऑपरेशन में गोपाल राव डीडा अमेजिंग जॉब इनको महावीर चक्र से नवाजा गया था रिसेंटली उनका देहांत हो गया तो नाइनटीन की बात करेंगे तब इनको ये अवार्ड दिया गया था कि उसी वॉर में ही डीडा अमेजिंग जॉब वॉर हीरो इनको माना गया था ठीक है आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा टोटल रॉयल्टी ऑफ हाउ मेनी रूपीज इज वाज प्रोवाइडेड टू द स्टेट फॉर द कोल माइनिंग ड्यूरिंग द अप्रैल 2021 नाउ uh, जिन स्टेट्स के अंदर कोल माइनिंग होती है उन स्टेट्स को रॉयल्टी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या फिर जो कोल माइनर्स होते हैं उनके तरफ से रॉयल्टी प्रोवाइड की जाएगी बिकॉज ऑब्वियसली uh, जमीन स्टेट की है तो स्टेट को थोड़ा बहुत पैसा मिलना चाहिए तो so, टोटल कितना रॉयल्टी है जो स्टेट्स को दिया गया जहाँ पे कोल माइनिंग की गई एज अप्रैल टू डिसंबर ट्वेंटी का यह डेटा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रिलीज किया आंसर इज यस गाइज आंसर आना शुरू हो गया आंसर इज 7,930, 7,930.61 नाइन दैट मच अमाउंट ऑफ रॉयल्टी वी आव गिवन टू द स्टेट्स जहां पे कोल माइनिंग की गई थी तो रॉयल्टी का वही होता कि जमीन उनकी है वहां से कोल निकाला जा रहा है तो थोड़ा बहुत पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट्स का बनता है नो डाउट अबाउट दैट ओके आगे बढ़ेंगे Uh, yeah, सबसे ज़्यादा झारखंड को दिया गया सबसे ज़्यादा रॉयल्टी झारखंड को मिली पहली सी एनजी बस है सब, uh, के कौन से सिटी में नौ बीस साल पहले दिल्ली के अंदर सी एनजी बसे स्टार्ट हुई थी अब बीस साल बाद वेस्ट बंगाल में कोलकाता में सी एनजी बस स्टार्ट हो रही है अगर देखा जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल में या कोलकाता के अंदर बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स ये पूरे देश से ज़्यादा है ट्रैम है वहाँ पे दे आर द, 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 द वाटर वेज उनके पास अवेलेबल है मेट्रोस बन चुकी है सो so, मल्टीपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स कोलकाता के अंदर है पर सी बस ये काफ़ी सालों बाद स्टार्ट हुई है एंड दैट्स ए न्यूज यहाँ पे बन जाती है दोस्तों आगे बढ़ेंगे यूएन रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट वॉज वॉन्ट दैट ग्लोबल वार्मिंग इज ऑन ट्रैक टू हीट 1.5 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस अराउंड विच ईयर ना कौन सा साल है तब तक 1.5 पॉइंट फाइव डिग्री का जो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने की बात की है वो हो जाएगा ऐसा यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट का कहना है ना ये रिपोर्ट uh, जो पॉइंट मैंशन कर रही है आई पी सी सी

फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट आए इस कंट्री के सो इब्राहिम रईसी उस कंट्री के प्रेसिडेंट है एंड ही अनाउंस द न्यू पोस्ट एंड द नए पोस्ट पे मोहम्मद मोकबेर इनको अपॉइंट किया गया ईरान इज द नेम ऑफ द कंट्री तहरीन uh, तहरान इज द कैपिटल ओके सो ईरान ईरान ने पहली बार अनाउंस किया कि उनके कंट्री में अभी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट अपॉइंट की जाएगी सो so, ईरान और इंडिया के रिलेशन पहले बड़े स्ट्रॉग थे बट ड्यू टू सम इशूज ड्यू टू सम जियो पोलिटिकल इशूज थोड़े से रिलेशन खराब हो गए बट ईरान के साथ वैसे भी थोड़े से

वैसे ये IGF का जो आइडिया है वो आइडिया यूनाइटेड नेशन की तरफ से आता है सबसे पहले एथेंस में ये IGF ऑर्गेनाइज किया गया था अभी इंडिया के अंदर है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम और 20 अक्टूबर को इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा इसका थीम क्या रखा गया है कोई इसका आंसर करेगा दोस्तों आंसर की व्हाट इज द थीम ऑफ दिस इस बार का थीम क्या है इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया का थीम रखा गया है कि इस थी इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा भाई कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है कोई बताएगा मुझे कि कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है और मिनिस्टर साहब उनका नाम भी साथ में कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा बिकॉज कोई ना कोई मिनिस्ट्री रहेगी जिसके अंदर यह फोरम ऑर्गेनाइज किया जाएगा यूनाइटेड नेशन भले ही इसकी क्रिएटर होगी बट ऑब्वियसली इंडिया में किसी मिनिस्ट्री के अंदर काम किया जाएगा नो नो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग ऐसी कोई मिनिस्ट्री नहीं होती है

प्लीज गलती मत कीजिएगा ये गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आगे बढ़ते हैं अगस्त 2021 हु द नेशनल एलिजिबल सॉरी एडिबल ऑयल ऑयल मिशन पाम टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन कुकिंग ऑयल इंक्लूडिंग पाम ऑयल पाम ऑयल का इंपोर्ट uh, बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं इवन सनफ्लावर ऑयल की बात की जाएगी तो जो भी एडिबल ऑइल है उसका काफी सारा इंपोर्ट है हमें बाहर कंट्री से करना पड़ता है नाउ इंडिया में कंजम्पशन तो बहुत ज्यादा है पर इंपोर्ट भी अगर बहुत ज्यादा हो रहा होगा तो दिक्कत जाएगी तो आत्मनिर्भरता अचीव करने के लिए <coughs> मोदी साहब ने नेशनल एडिबल ऑयल मिशन का सेकंड फेज स्टार्ट किया वैसे पहला फेज 2012 के अंदर ही था कि अब ये सेकंड फेज हम लोग कह सकते हैं जिसको लॉन्च किया गया मोदी साहब की तरफ से फोकस यही रहेगा कि हम लोग सेल्फ सफिशियंट होने चाहिए हम आत्मनिर्भर होने चाहिए किसी और कंट्री से हमें ये लाने की जरूरत ना पड़े और यही फोकस यहां पे मोदी साहब का मेंशन किया गया है ठीक है आगे बढ़ते दोस्तों नागालैंड हैज बैग्ड हाउ मेनी प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड इन द वन धन विकास योजना द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की बात की जाएगी तो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए MSP as well as वनधन योजना ये ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंदर आता है अर्जुन मुंडा साहब ट्राइबल मिनिस्टर है उनके मिनिस्ट्री के अंदर ये दोनों स्कीम्स आती है तो भाई नागालैंड को कितने अवार्ड मिले मणिपुर को पांच अवार्ड मिले हुए झारखंड को दस अवार्ड मिले हुए नागालैंड गोट द सेवन अवार्ड इन दिस कैटेगरी वन योजना जहां पे ट्राइबल एरियाज होते हैं उन एरियाज में वहां के प्रोडक्शन को मार्केट में बेचने के लिए वनधन योजना इंप्ली

के साथ भी हुआ था सो ट्राइबल मिनिस्ट्री का फॉर सेलिंग दिस प्रोडक्ट ये तो एग्रीमेंट है पर ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंदर जो एकलव्य स्कूल्स आती है रेसिडेंशियल स्कूल्स उनको डेवलप करने के लिए डिजिटली माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी उनका एग्रीमेंट साइन हुआ है ठीक है आगे बढ़ते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अन विल्ड द डिजिटल मोनोग्राफ्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर डिजिटली प्रोटेक्ट करने के लिए आ, हिंदी साहित्य के अंदर एक आ, आ, डिजिटल मोनोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया मोनोग्राफ सॉरी लॉन्च किए गए मोनोग्राफ की मतलब है कि इन्फॉर्मेशन जो फ्रीडम फाइटर्स की होती है वो लिखी है बुक्स के अंदर उसको डिजिटली कन्वर्ट किया गया और ये इनिशियटिव राजस्थान के सी एम ए गहलोत साहब इन्होंने रिसेंटली इसको लॉन्च किया okay. so, ये कुछ Uh, कुछ सेशन के अंदर कवर की थी ठीक है यस गाइज अभी आगे बढ़ते अभी स्टार्ट करेंगे आज के हमारे इस लेक्चर को पर आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आज के मोटिवेशनल कोर्ट की बात की जाएगी यू मस्ट टेल yourself, no नो मैटर हाउ हार्ड इट इज और हाउ हार्ड इट गेट्स आई एम गोइंग टू मेक इट यस कितना भी डिफिकल्ट रहे या कितना भी डिफिकल्ट हो सकता है पर आपको अचीव करना है तो यू हैव टू टेल यू हैव टू गिव दैट कॉन्फिडेंस टू योरसेल्फ सेल्फ जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा जितना अपने आप पे भरोसा रहेगा उतना चीजें अचीव करने के लिए बहुत इजी होता है और एग्जाम का भी सेम सिनारियो रहेगा सो एवरीडे मॉर्निंग जब उठते हो तो खुद को मोटिवेट कीजिए

इंटरनेशनल यूथ डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल यूथ डे ट्वेल्थ ऑफ ऑगस्ट को हमारे एक दोस्त थे उनका भी आज बर्थडे है अब उनके बर्थडे का थीम क्या रखना है ये आप डिसाइड कर लीजिए वैसे अमित साहब थीम्स में बड़े माहिर है तो शायद खुद के बर्थडे का थीम वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे ठीक है पर यहां पर हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे की नौ ट्वेल्थ ऑफ ऑगस्ट भाई ये तो इंटरनेशनल यूथ डे हो गया इंडिया के अंदर भी एक हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते तो जल्दी मुझे बताइए नेशनल यूथ डे कब होता है इंडिया के अंदर और किसकी बर्थ एनिवर्सरी है किसकी जयंती है जिसको हम लोग नेशनल यूथ डे करके सेलिब्रेट करते हैं यस गाइज बताएगा जल्दी से यस कैन टेल मी यस yes, बहुत बढ़िया एब्सोल्युटली राइट ट्वेल्थ ऑफ जैन की बात करेंगे बावीस सॉरी ट्वेल्थ ऑफ जैन बारह जैन को बारह जैन को हम लोग नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद साहब का uh, जयंती होती है उनका बर्थ एनिवर्सरी होता है तो स्वामी विवेकानंद साहब की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम लोग ट्वेल्थ ऑफ जैन को नेशनल यूथ डे करके ऑब्जर्व करते हैं ठीक है ठीके? और ये हो गया इंटरनेशनल यूथ डे ट्वेल्थ ऑफ ऑगस्ट एंड ट्वेल्थ ऑफ जैन सो याद रखने के लिए थोड़ा बेटर रहेगा अब देखिए यूनाइटेड नेशन डिसाइडेड टू कम ओवर इट

थीम याद रखने के लिए दिक्कत जा सकती है थीम थोड़ा सा अलग है पर फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो ध्यान रखेगा। आज वर्ल्ड एलिफेंट डे भी है एलिफेंट के प्रोटेक्शन के लिए या एलिफेंट के प्रोटेक्शन के लिए जो अवेयरनेस होता है वो भी डे आज हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमारे पास इंटरनेशनल यूथ डे भी है तो दो डेज है जो आज के डे पे ऑब्जर्व किए जा रहे इसका थीम देखिए ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ थीम रखा गया है ठीक है तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाएंगे जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है yes. Now, Now, Disease, ये कुछ पहली बार आ रहा है ऐसा नहीं है कि ये डिजीज एक्चुअली 1967 में पहली बार ये डिजीज पाया गया था मार्गबर डिजीज ये डिजीज एक्चुअली पता है इसका नाम कहां से आया मार्गबर्ग

कोविड के तरह बाय एयर टू एयर नहीं फैलता ये डिजीज फैलता है बॉडी फ्लूड के थ्रू जैसे इबोला फैलता है इबोला के अंदर भी सेम प्रॉब्लम होती है कि जब बॉडी फ्लूड कॉन्टेक्ट में आएंगे आपका ब्लड सलाइवा या कोई भी अदर बॉडी जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तब ये फैलेगा इसके सिम्टम्स इबोला के तरह ही होते हैं देखिये मार्गबर के अलग वायरस है इबोला एक अलग वायरस है कि वो उसी का टाइप नहीं है वो उसी का क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं आता उसके सिम्टम्स सेम है इसलिए कुछ जगहों पे लिखा गया है कि ये इबोला का ही टाइप है इबोला का टाइप नहीं है इबोला के तरह सिम्टम्स है के या इबोला के तरह स्प्रेड होता है अब सिम्टम्स क्या होता है यहां पे हीमोरेजिक फीवर है हीमोरेजिक फीवर का मतलब है बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होती है बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होती है देखिए बॉडी के बाहर अगर ब्लीडिंग होगी तो हम उसको रोक पाएंगे बॉडी के अंदर अगर ब्लीडिंग होगी तो हम उसको रोक नहीं पाएंगे इसीलिए यहां पे डेथ होने के चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं अब देखिए यहां पे देखिए रिलेटेड टू इबोला मीन सिम्टम सेम है या फिर डिजीज का स्प्रेड होने का तरीका सेम होता है 88% एट परसेंट यहाँ पे फैटलिटी है मीन्स अगर ये डिजीज हो गया तो 88% एट परसेंट चांसेस है कि शायद आपका डेथ हो सकता है या फैटेलिटी हो सकती है बिकॉज इंटरनल ब्लीडिंग जब होती है किसी डिजीज के अंदर तो रोकना इंपॉसिबल हो जाता है और इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है इसके लिए प्रिवेंशन ही कर सकते हैं प्रिवेंटिव ही है के? अब डिजीज फैलता कैसे यह भी जूनोटिक डिजीज है ये डिजीज भी जूनोटिक डिजीज है जैसे कोविड नाइनटीन इबोला ये भी जूनोटिक है मिस किसी एनिमल से ये ह्यूमन के अंदर आते तो भी चमगादड़ की बात की जाएगी यहां भी मंकीस की बात की जाएगी तो किसी ना किसी एनिमल के थ्रू ये ह्यूमन बींग के अंदर आते हैं तो ये भी जूनोटिक डिजीज है याद रखना ये वर्ड आपके लिए बहुत मैटर करेगा यार ये गिनी नाम की कंट्री कहां पे एक बार ना मैपिंग भी कर लेते हैं बिकॉज कंट्री को देखना भी जरूरी रहेगा ओके सो दिस इज द कंट्री आपके शायद स्क्रीन के ऊपर मैप आपको दिख रहा होगा ओके okay. देखिए वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है सीरा लियोने गिनी बेसाऊ लिबेरिया यहां पे आपको दिख सकता है कोनार्की इज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री यू कैन सी ओके और फ्रैंक इनका करेंसी है गिनी का ओके okay, सो so ये कर, आ, ये यहाँ पे आपके सामने आ, कंट्री आ गई उसका मैप हो गया ओके okay, अगेन डिजीज के ऊपर बात करते हैं दोस्तों डिजीज का सिम्टम्स इज जस्ट लाइक इबोला कि जस्ट लाइक इबोला ब्लड टू ब्लड या बॉडी बॉडी फ्लूड से ट्रांसफर होगा दूसरा सिम्टम्स भी लगभग सेम है बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होगी और बाद में फीवर आ जाएगा okay? और उसका फैटलिटी या मृत्यु दर जो है वो भी काफी ज्यादा हाई है सो okay? so, ये दो तीन पॉइंट यहां पे याद रखेगा एक और चीज लोग बड़ी अफवाह फैलाएंगे okay? देखिए आजकल ना जब से ये कोविड नाइनटीन आ गया कोविड नाइन्टीन के बाद इतनी अफवाह फैलना शुरू हो गई कि कोई भी छोटा बड़ा डिजीज का नाम आ जाए तो पब्लिक एकदम एक्सट्रीम चली जाती है कोई एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं है इंडिया में ये डिजीज होने के चांसेस इज रेयरस्ट ऑफ तो द रेयर बिकॉज हमारे कंट्री में अफ्रीकन कंट्रीज की तरह चमगादर वंगादर खाने की आदत नहीं है किसी को के तो यहाँ पे इंडिया में स्प्रेड होना डिफिकल्ट है दूसरा जब ये स्प्रेड भी होगा तो ये बॉडी फ्लूड के थ्रू स्प्रेड होगा ये डिरेक्टली एयर टू एयर स्प्रेड नहीं होता है बट इसको अगर इसको ये एक बार ये डिजीज हो गया तो इससे आपका बचना ये नामुमकिन है ये तो कंफर्म बात है बचना बहुत मुश्किल होता है इनिशियली क्या होता है इस डिजीज के अंदर डिसेंट्री होती है वहीं पे अगर आपने डिसेंट्री रोक दी या वहीं पे अगर एक वा, एंटीवायरल का ट्रीटमेंट अगर प्रॉपरली हो गया तो फिर यह वायरस एक्टिव नहीं होगा पर एक बार ये वायरस एक्टिव हो गया और बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होना शुरू हो गई तो फिर बचना यह थोड़ा मुश्किल होता है एंड दैट इज अ केस तो अभी यूरोपियन कंट्रीज डब्ल्यू यूनाइटेड नेशन गिनी के अंदर ऑलरेडी दाखिल हो चुकी है एंड दे स्टार्टेड डूइंग दैट 1967 में सबसे पहले डिजीज जर्मनी के अंदर पाया गया था मार्गबर्ग नाम का एक सिटी है वहीं पे और इसलिए उसका नाम भी मार्गबर्ग रखा गया है ध्यान रखिएगा ठीक है तो वहीं से उसका ओरिजिन है ऑल ओके फाइन यस नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाते हैं चाइनीज शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक है फेसबुक डाउनलोडेड सोशल मीडिया इंडिया के अंदर बंद हो गया होगा पर वर्ल्ड में टिकटॉक चल रहा है okay, इंडिया के अंदर बंद हो गया उसके बाद भी दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप अगर कोई है सोशल मीडिया तो टिकटॉक है सोचो अगर इंडिया में अलाउड होता अच्छा हो गया बंद हो गया पता नहीं ये कोविड नहींन में लोगों ने क्या क्या वीडियो नहीं बनाए होते ओके सो ठीक है भाई अच्छी बात है बट एनी दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप राइट नाउ टिकटॉक फेसबुक को ओवरकम कर दिया सोशल नेटवर्किंग के एंगल में डांस इज द द नेम ऑफ कंपनी कंपनी पेरेंट है जिसके अंदर ये काम करता है 2017 में इन्होंने इंटरनेशनल एप्लीकेशन क्रिएट किया था 2017 में एंड इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऐप इन द वर्ल्ड इज राइट नाउ टिकटॉक ठीक है ज्यादा बात नहीं करेंगे जो टिकटॉक के लवर्स थे जिनकी जिंदगी टिकटॉक थी उनको अभी भी दिल में बड़ा दर्द होता होगा आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट दोस्तों बट ठीक है इंडिया में नहीं अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं। <coughs> यस yes. टिकटॉक <laughs> से रियल जेंडर का पता चलता था बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट है ये आपका का काफी डीप स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट से काफी लोगों को गुस्सा भी आ सकता है दोस्त ओके okay, इंटॉलरेंट लोग काफी ज्यादा हो चुके हैं आजकल एनीवेज यूनिसेफ इंडिया एंड फेसबुक हैव लॉन्च वन ईयर ज्वाइंट इनिशिएटिव टू एंड वॉयेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन विद स्पेशल फोकस ऑन ऑनलाइन सेफ्टी अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिसेफ यूनिसेफ का इंडिया का जो ब्रांच है उसने फेसबुक के साथ टाइप किया है यूनिसेफ का मेन हेडक्वार्टर कहां पे यूनिसेफ के हेड कौन है और यूनिसेफ कब क्रिएट किया गया था जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिए अब देखिए न्यूज क्या है न्यूज इंडिया के एंगल में न्यूज इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है यूनिसेफ इंडिया एंड द फेसबुक इन दोनों ने मिलकर एक एक साल का ज्वाइंट वेंचर लॉन्च किया है अभी ज्वाइंट वेंचर या ज्वाइंट इनिशिएटिव क्या है इनिशिएटिव है एंड वॉयलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन विदेशल फोकस ऑन ऑनलाइन सेफ्टी ऑनलाइन सेफ्टी अभी हम थोड़ी देर पहले टिकटॉक की बात कर रहे थे आजकल ऑनलाइन भी काफी ज्यादा गलत चीजें हो रही है स्पेशली uh, महिलाओं के अगेंस्ट या फिर बच्चों के अगेंस्ट तो उसको रोकने के लिए उन चीजों को स्टॉप करने के लिए फेसबुक और यूनिसेफ के बीच में यहां पे इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व नहीं है इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एंड बोथ आर वर्किंग यस आपके आंसर एकदम सही है यूनिसेफ को लेकर उसके ऊपर मैं एंड में बात करता हूं पहले न्यूज कवर कर लेते हैं ठीक है अब देखिए पार्टनरशिप सिक्स टू क्रिएट सेफ एनवाइ फॉर द चिल्ड्रन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन

अपने पापा के मोबाइल से गेम वेम खेल रहा था एंड अकाउंट हैक हो गया के, तो अकाउंट हैक हो गया दिन किसी के साथ चैट चल रही थी और ये पैर मोहब्बत के चैट के चक्कर में भाई साहब ने कुछ ऐसी ऐसी चीजें बता दी जिसमें उनके घर का सारा अकाउंट्स या सारे पैसे गायब हो गए थे एंड सच प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम सेक्सुअल ऑफेंसेस भी काफी ज्यादा होते हैं तो इन सारे चीजों को रोकने के लिए फेसबुक एंड यूनिसेफ इंडिया ये वर्क कर रही है केवल ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भी जो हरासमेंट होगा उसको भी रोकने के लिए इसको यूज किया जाएगा अब यहाँ पे सोशल मीडिया कैंपेन है जहां पे अवेयरनेस स्प्रेड किया जाएगा कि नाउ यहाँ पे कम से कम स्कूल चिल्ड्रंस अबाउट वन लैख स्कूल चिल्ड्रंस इनमें ये अवेयरनेस स्प्रेड किया जाएगा कि भाई किन चीजों से आपको रोकना है किन चीजों को आपको संभाल के रखना है ओके okay? तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और छोटे बच्चे छोटे बच्चे कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बड़े बड़े ही स्मार्ट होते हैं परिस यूनिसेफ यस न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर सॉरी हेनरीटा फोर ये, yes, है, uh, ये फिलहाल उसके हेड है यूनिसेफ को क्रिएट किया गया था आपने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन के अंदर सही आंसर्स दे दिए नो डाउट अबाउट दैट ठीक है चलो सो so, ये एक चीज़ है यार यूट्यूब में आपका हमारा लेक्चर स्टार्ट होने से पहले यूट्यूब के चैट में ना कुछ प्यार मोहब्बत चलती रहती है तो ये सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हो रही है कि कभी कभी लगता था कि ऑनलाइन ये चीज़ें ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए अभी कोविड नाइन्टीन के चक्कर में करना ही पड़ा दूसरा ऑप्शन ही नहीं था बिकॉज स्कूल सारी ऑनलाइन चल रही है तो बच्चों को भी मौका मिल गया एंड नाउ इट इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम लास्ट टाइम आर ने भी मैंशन किया था अपने रिपोर्ट के अंदर कि सबसे बड़ी रिस्क आजकल इंडियन इकोनॉमी के अंदर है वो है डिजिटल ट्रांजेक्शन Okay. जितना अच्छा है उतना रिस्की भी है तो रिस्क को कम करने के लिए भी एफर्ट्स हमें लेने पड़ेंगे नो डाउट अबाउट दैट एंड एवरी इज टेकिंग द एफर्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी के आगे बढ़ते यस <coughs> गाइज yes, लीरोन परसेंट ऑफ द जी डी पी वॉज स्पेंड एवरी इयर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्लूंग्रेंथनिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फोर्टीन टू नाइन दो हजार चौदह पंद्रह से लेकर अठारह उन्नीस तक देखिए चौदह पंद्रह उन्नीस ऐसा क्यों लिखते हैं फिनेंशियल ईयर होता है बिकॉज हमारा फाइनेंशियल ईयर ये फर्स्ट ऑफ अप्रिल को स्टार्ट होता है और थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो जो ईयर होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के एंगल में लिखे जाते हैं फोर्टीन फिफ्टीन एटीन नाइनटीन तो आप लोग याद रखिये okay? उस दिन किसी ने क्वेश्चन बता दीजिए सर 14 है या 15 है एक साल बता दीजिए ओके okay. भाई मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वहां पे 14 15 है तो 14 15 ही दिखा रहेगा ओके okay. तो उसमें आपको बुरा मानने की या दुखी होने की जरूरत नहीं है ऐसी तरीके से फाइनेंशियल ईयर मेंशन किए जाते हैं ठीक है ठीके? अब देखिए हमारे जीडीपी का 0.7% पैसा हमने आरएनडी के ऊपर खर्च किया ऐसा हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का कहना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ये वैसे मोदी साहब के पास है पर उसको भी फिलहाल जितेंद्र सिंह साहब हैंडल कर रहे हैं तो जितेंद्र सिंह साहब ने एक आंसर किया पार्लियामेंट के अंदर कि हमारे इनोवेशन के ऊपर या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हमने कितना पैस, परसेंट पैसा खर्च किया है 0.7% जो काफी कम है काफी कम है वेस्टर्न कंट्रीज में फाइव फाइव सिक्स सिक्स परसेंट उनके जीडीपी का पैसा आर के ऊपर खर्च होता है हमारे कंट्री में केवल जीरो पॉइंट सेवन परसेंट है के? Now, की बात करते, के हम लोग केवल वन पॉइंट एट परसेंट खर्च कर रहे हैं सोचो 1.8 परसेंट हम लोग हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहे हैं वो भी बहुत कम है वेस्टर्न कंट्रीज में 10 से 12 परसेंट उनके जीडीपी का पैसा हेल्थ के ऊपर खर्च होता है एंड वी आर ओनली स्पेंडिंग 1.8 ये भी आंसर लास्ट टाइम हर्षवर्धन साहब ने पार्लियामेंट के एक प्रोसीडिंग में दिया था जब वो मिनिस्टर हुआ करते थे ठीक है जितेंद्र सिंह साहब ने इंफॉर्मेशन दी हुई है देखिए ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेज बिन कंसिस्टेंटली फॉलोइंग एंड इंक्रीज ट्रेंड ड्यूरिंग द लास्ट टेन ईयर इट हैज इंक्रीज थ्री टाइम्स ओके अगर ओवरऑल पैसे की बात करें तो बड़ा हुआ है, no देखिए में खर्च हुआ था अभी देखिए में मनी अमाउंट बढ़ा हुआ है, तो money, हुआ, पर परीडीपी के, के में देखा जाए तो बहुत कम है एंड बैड फॉर द कंट्री सो इंडिया वॉन्ट टू इंक्रीज दैट अटल बिहारी वाजपेयी ने uh, <clears throat> जय विज्ञान की बात की थी आपको याद होगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये नारा सबसे पहले अटल जी ने दिया था तो अटल जी के उस नारे में एक पॉइंट मेंशन किया गया था कि इंडिया में हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टेंपर को या साइंस एंड टेक्नोलॉजी या आर एनडी को इंक्रीज करना पड़ेगा तो अटल जी ने स्टार्ट किया मनमोहन सिंह साहब एक स्टेप आगे लेके गए और मोदी साहब इसको और आगे लेके जा रहे तो उम्मीद करते कि चीजें अच्छे से डेवलप हो जितना इनोवेशन जितना आर एंड जिस किसी कंट्री में होगा वो कंट्री फ्यूचर में बहुत स्ट्रांग बनेगी जापान चाइना यूएसए ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल से इन सारे सक्सेस के तो उम्मीद करते आत्मनिर्भरता के अंदर इंडिया भी इसको अच्छे से अचीव करे ठीक है आगे बढ़ते दोस्तों यस नाउ लोकसभा सेशन एंड्स अप एब्रेप्टी स्पीकर मीट्स द पीएम एंड द सोनिया ओके तो पीएम साहब और सोनिया गांधी जी के साथ स्पीकर साहब की मीटिंग हुई बिरला साहब हमारे लोकसभा के स्पीकर अब सीन क्या था? 96 hours, ये टोटल हमारा लोकसभा का सेशन चलने चाहिए था 96 सिक्स आवर्स वैसे दो दिन पहले ही बंद कर दिया हमने अभी दो दिन बचे थे पर दो दिन पहले ही हमने लोकसभा के सेशन को बंद कर दिया कल ही उसका बंद करने का अनाउंसमेंट हुआ टोटल नाइन्टी आवर्स में से केवल ट्वेंटी आवर्स लोकसभा का काम हुआ है के, केवल 22 परसेंट प्रोडक्टिविटी हुई है इस बार लोकसभा की बिकॉज पैगसेस का इशू लेते हैं हम लोग या फिर कोविड 19 में जो प्रॉब्लम्स हुई या फिर फार्म लॉज को लेके काफी बवाल हुआ काफी अपोजिशन काफी इस बार स्ट्रॉन्गर दिखाई पड़ी अपोजिशन uh, इतनी स्ट्रॉन्गर दिखाई पड़ी कि केवल 21 आवर्स इस बार लोकसभा का काम हुआ है देखिए पार्लियामेंट जितना कम टाइम काम करेगा उतना देश के लिए बर्बादी है उतना देश के लिए बुरा होता है पार्लियामेंट का ज्यादा टाइम काम करना यह बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज पार्लियामेंट के थ्रू ही हम लोग नए नए लॉ पास करते हैं हम लोग नई नई चीजों को डिस्कस करते अपने देश के प्रति पर अगर पार्लियामेंट ही ढंग से काम नहीं करेगा तो दिक्कत हो सकती है और कल लोकसभा सेशन जो था हमारा मॉनसून सेशन उसको रोक दिया गया दो दिन पहले ही रोका है तो टोटल

राज्यसभा के चेयरमैन कौन है राज्यसभा के अंदर स्पीकर ये पोस्ट नहीं होती है राज्यसभा के अंदर चेयरमैन ये पोस्ट होती है और लोकसभा के अंदर स्पीकर ये पोस्ट होती है तो राज्यसभा के हमारे चेयरमैन कौन है जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर वो भी एक आंसर डाल दीजिएगा यस गाइज यस यस राज्यसभा के चेयरमैन इज वेंकैया नायडू साहब नायडू साहब जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है तो देश के वाइस प्रेसिडेंट है वही राज्यसभा के चेयरमैन भी होते आपको अच्छे से पता होगा कॉन्स्टिट्यूशनली यही पॉइंट मेंशन किया गया है तो वेंकैया नायडू साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ही इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एज ए पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव सेवेंटी फाइव ऑर्गेनाइजिंग फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 आउट द कंट्री हमारे यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर को ने जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिएगा इंडिया को एक्चुअली राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब से हम बात करेंगे क्योंकि मोदी साहब के अंडर सबसे पहले हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब थे उन्होंने ये ओलंपिक्स जो प्लेयर्स है उनके लिए स्कीम स्टार्ट की थी टॉप सॉस द नेम ऑफ द स्कीम बड़ी बेहतरीन स्कीम थी बाद में रिजिजू साहब स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गए उन्होंने स्कीम के अंदर और अच्छा डेवलपमेंट किया और अभी अनुराग ठाकुर साहब है उनके पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है के, तीनों मिनिस्टर्स अभी अनुराग ठाकुर साहब तो अभी भी मिनिस्टर बने हुए पर पहले के दोनों मिनिस्टर्स ने बड़ा बेहतरीन काम किया है स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए स्पोर्ट्स के एंगल को डेवलप करने के लिए और उसी वक्त में ये फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की गई थी अब हम लोग क्या करेंगे आजादी का अमृत महोत्सव पचहत्तर साल हो रहे हमारे देश के इंडिपेंडेंस को तो उसके लिए बहुत सारे दो तो कब कब अक्टूबर तक गांधी जयंती तक ये फ्रीडम रन हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे विलेज एरियाज में जो है देखिए इन विलेजेस इन 744 डिस्ट्रिक्ट के इंडिया में 744 है वहां के 75 विलेजेस के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा एंड थर्टी थाउजेंड एजुकेशनल कंट्री तो विलेज एरिया में ये फ्रीडम रन ऑर्गेनाइज की जाएगी ध्यान रखिएगा अगेन फिट इंडिया 2.0 फ्रीडम रन वी आर ऑर्गेनाइजिंग अंडर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आजादी का अमृत महोत्सव तो इंडिया के विलेज एरियाज में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 13 अगस्त से लेके 2 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा देखिए नाउ द नेशनल एंथम्स होंगे यहां पर प्लेज uh, ली जाएगी देश के लाइक uh, like, स्वस्थता के लिए देश के क्लीनलीनेस के लिए देन कल्चरल फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे अवेयरनेस अमॉन्ग द यूथ वॉलेंटियर्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स है देश के प्रति uh, कुछ चीजें यहाँ के बताई जाएगी जो योजनाएं देश में चल रही है उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी एंड प्लस नेशनल एंथम तो रहेगा नो डाउट अबाउट दैट सो ये सारी चीजें इस फ्रीडम रन के अंदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करना है और थर्टींथ ऑफ ऑगस्ट से इसको शुरुआत की जाएगी याद गा ठीक है चलो गाइज सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट यस ठीक है चलो नेक्स्ट uh, पॉइंट के ऊपर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे uh,

अलग अलग एडवेंचर स्पोर्ट्स होते कि अब ये एडवेंचर एडवेंचर टूरिज्म टूरिज्म इंडिया इंडिया में 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 प्रमोट किया जाएगा 365 डेज के के एंगल में. कि इंडिया में के लिए आप कभी भी आ सकते हो 365 डेज आ सकते हो तो इंडिया के अलग अलग एरियाज में अलग अलग एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा उनको क्रिएट किया जाएगा सो दैट टूरिज्म इंडिया के अंदर बनना चाहिए देखिए यह सब कुछ क्यों किया जा रहा है हमारे पास स्वदेश दर्शन स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर पंद्रह थीमेटिक सर्किट हमारे पास होते हैं इन सर्किट्स में हम टूरिज्म करवाते हैं ये तो चल रहा है ये तो चलेगा नो डाउट अबाउट दैट पर उसके अलावा हमें देश में और टूरिज्म को प्रमोट करना पड़ेगा बिकॉज कोविड नाइनटीन के बाद टूरिज्म की हालत बड़ी खराब हो गई है के? और एडवेंचर टूरिज्म आजकल वर्ल्ड लेवल पर बड़ा फेमस बन रहा है लोग चाहते हैं एडवेंचर टूरिज्म करने के लिए एंड दैट्स वाई हमारे रेड्डी साहब ने अनाउंसमेंट कर दी कि हम एडवेंचर टूरिज्म को थ्री डेज के एंगल में इंडिया में डेवलप करेंगे

आगे बढ़ते हैं अब इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज ना अब ध्यान दीजिए अब थोड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है ओके okay? अब जिनको ये डेट्स और ये बाकी सब कुछ नाम डालना होगा अब इसके बारे में बता दीजिए कि भाई इसका क्या सीन है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज इंडिया आईएनएक्स की यहां पे बात करते हैं अब ध्यान दीजिएगा इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज हमने गिफ्ट सिटी के अंदर डेवलप किया हुआ गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्ट सिटी गांधीनगर के पास ये गिफ्ट सिटी है <coughs> वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ध्यान दीजिएगा 2017 में इसको क्रिएट किया विद्यल्पा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मदद से गिफ्ट सिटी में हमने इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज ओपन किया है इंडिया का पहला इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट 2017 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इसको डेवलप किया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में क्रिएट हुआ है कि ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है एंड दे क्रिएटेड दिस इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इंडिया का पहला इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट है अब देखिए न्यूज़ क्या है न्यूज़ है कि अभी फॉरेन कंपनीज के शेयर्स या फॉरेन कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं अभी इंडिया के अंदर खरीद पाएंगे इंडिया के अंदर अभी फॉरेन कंपनीज के शेयर्स या फॉरेन कंपनीज के स्टॉक्स हम खरीद पाएंगे ये अनाउंसमेंट रिसेंटली INX ने की हुई है इंडियाज इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज गिफ्ट सिटी के अंदर है देखिए यहां पे इट हैज प्रपोज द ऑफर स्टॉक्स फ्रॉम द यूएस कनाडा यूके यूरोप ऑस्ट्रेलिया जापान इन कंट्रीज के शेयर मार्केट में <coughs> जो कंपनी के शेयर्स होते हैं उनके स्टॉक्स अभी इंडिया में अवेलेबल हो पाएंगे इंडिया में मिल पाएंगे पर ये स्टॉक्स आपको कहां मिलेंगे आई के प्लेटफॉर्म के ऊपर आई एन एक्स इज वर्किंग फ्रॉम द गिफ्ट सिटी वहां से वर्क करती है आई एफ एस सी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर हम लोग कहते हैं सो आई एफ एस सी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इसका लोकेशन गिफ्ट सिटी है और गिफ्ट सिटी के अंदर ही ये शेयर मार्केट बना के रखा है आई एन एक्स ग्लोबल याद रखेगा सो यूएस कैनेडा यूके यूरोप ऑस्ट्रेलिया जापान इनके शेयर मार्केट्स में जो कंपनियां शेयर भेज दिए वो अभी इंडिया में भी अवेलेबल हो पाएंगे देखिए एनवाईएससी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज Nasdaq LSE लंदन स्टॉक मार्केट कैनेडियन सिक्योरिटी एक्सचेंज देन BT यूरोप यूरोनेक्स्ट फ्रांस टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज ये कुछ स्टॉक मार्केट्स के नाम है इन कंट्री के स्टॉक मार्केट्स अभी अपने शेयर्स को या अपने कंपनीज के शेयर्स को इंडिया में मुहैया करवा सकते हैं ये अनाउंसमेंट यहां पे की गई है अगेन INX 2007 सॉरी हजार 2017 वेरी सॉरी मैंने 2007 शायद बोल दिया था 2017 हजार okay. सत्रह 2017 हजार ने इसको क्रिएट किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपने आप में 1875 में क्रिएट की गई थी दुनिया की सॉरी एशिया की वन ऑफ एशिया की सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यस आईएफएससी सॉरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी आईएफएससी ए के जो हेड है वो है इंजेटी श्रीनिवास यस okay, yes, आपका पॉइंट बहुत सही है है आईएफएससी ए के जो हेड उनका नाम है इंजटी श्रीनिवास याद रखना इन्हीं का अनाउंसमेंट है एक्चुअली बिकॉज इंजेटी श्रीनिवास साहब के अंडर ही ये सारी चीजें वर्क करती है गिफ्ट सिटी में तो ये पॉइंट याद रखेगा ठीक है चलो uh, <coughs> आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे यस ऑल ओके फाइन नेक्स्ट न्यूज आपके सामने ये रहा द न्यू स्टडी बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट फाउंड दैट मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल अकाउंट्स 22.75 इन द रिलीजियस माइनॉरिटी स्कूल्स इन इंडिया नाउ रिलीजियस माइनॉरिटीज इंडिया में रिलीजियस माइनॉरिटी में कौन कौन आता है ये आपको पहले पता होना जरूरी है के मुस्लिम्स क्रिश्चियंस सिख के देन विल टॉक अबाउट अबाउटिस्ट देन जैन एंड पार्सीजरिटी okay. इंडिया की माइनॉरिटी रिलीजन मुस्लिम अब यहां पर माइनॉरिटी रिलीजन जो इंडिया में उनके लिए हमारे पास है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट बच्चों के लिए सॉरी नॉट माइनॉरिटीज के लिए बच्चों के लिए हमारे पास एक कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इसकी हे, हेड कोई को बताएगा मुझे जल्दी से इनके हेड का नाम बता दीजिए कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इसकी हेड कौन है 2015 में इस इंस्टीट्यूट को हमने क्रिएट किया था बाय द पार्लियामेंट्री एक्ट पार्लियामेंट्री एक्ट से इस इंस्टीट्यूट को क्रिएट किया गया है के तो इसकी हेड का नाम जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिएगा कौन है के यस yes, गाइस कोई बताएगा मुझे जल्दी से नाम आ, <clears throat> यस लेट्स सी कितने लोग इसका नाम बताते हैं okay. ओके uh, इसके अलावा हमने याद होगा आपको नेशनल कमीशन फॉर वेमेन नेशनल कमीशन फॉर वेमेन हमने कवर किया था तो नेशनल कमीशन फॉर वेमेन की हेड कौन है उनका भी नाम बता दीजिएगा उनको भी अभी तीन साल का एक्सटेंशन दिया गया तीन साल तक वो काम करने वाली है उनका भी नाम बता दीजिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ओके Uh, यहां पे रेखा शर्मा जी है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए रेखा शर्मा जी है और यहां पे प्रियंका के प्रियंका कनुंगू है जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए काम करती है तो प्रियंका कनुंगू ये यह यहां पे काम करेगी और रेखा शर्मा जी है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए काम करती है ठीक है अब इनका रिपोर्ट आया रिपोर्ट ये है कि इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटीज के स्कूल्स का सीनारियो बताया गया है के? चलो इसके ऊपर बात करते हैं The study also found that Christian community share 71.96% of the total religious minority schools. So सबसे ज़्यादा minority religion की schools ये Christian schools हैं। के Christian schools बहुत सारी दिखती हैं आपको आपने observe किया होगा। तो सबसे ज़्यादा Christian schools हैं। Sikh schools देखिए केवल 1.54% हैं।

अच्छे होते स्कूल स्कूल में में गंदा पढ़ाते, इस में अच्छा पढ़ाते, अच्छा ये हमारा लुकआउट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली इनको अधिकार है अपने रिलीजन के स्कूल्स क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है yes, <coughs> okay? yes. uh, okay uh, चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज uh, आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों uh, ये रहा National Centre for Good Governance and the Indian Institute of Management Indore एमओ यू एम एट री इंफॉर्मिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री इन दूस चेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ वर्क करते हैं नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेस इंडिया में गुड गवर्नेंस कैसे क्रिएट किया जाए इंडिया में जो हम लोग बात करेंगे सुशासन कैसे क्रिएट किया जाए इसके ऊपर नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस वर्क करती है इनका एग्रीमेंट हुआ है आई एम इंदौर के साथ

मेंट हुआ है ताकि उस सिटी को या उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इंटरनेशनल रिलीजियस सेंटर में कन्वर्ट किया जा सके या इंटरनेशनल स्पिरिचुअल सिटी में उस सिटी को कन्वर्ट किया जा सके तो आई एम इंदौर ने रिसेंटली किसके साथ टाइप किए कि एक सिटी को हमें इंटरनेशनल स्पिरिचुअल सिटी में कन्वर्ट करना है यस yes, गाइस कोई बताएगा जल्दी से यस लेट्स सी कितने लोग इसका आंसर करते हैं uh, अयोध्या यस yes, right. आंसर इज राइट अयोध्या की बात की जाएगी अयोध्या के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है कि अयोध्या को स्पिरिचुअल सिटी में कन्वर्ट करना है इंटरनेशनल स्पिरिचुअल सिटी उसके लिए आई एम इंदौर का एग्रीमेंट हुआ था ध्यान रखिएगा ठीक है अब देखिए यहां पे, ये यहाँ पे यह बड़ा सिंपल सा न्यूज है ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मदद की जाएगी तो कुछ नई चीजें यहाँ पे लाने की कोशिश की जाएगी और वो चीजें इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू इंडिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंप्लीमेंट करने की बात यहां पे एनसीजीसी और आई इंदौर इन दोनों ने डिसाइड किया हुआ है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यस गाइज अब नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे पास दीपम नाम का डिपार्टमेंट है दीपम इज द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट दिस डिपार्टमेंट कम्स अंडर

कि इंडिया में, में चे ट्रिलियन, छह ट्रिलियन के एसेट को मॉनिटाइज करना है यस कैन एनी वन गिव मी द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट तब तक मैं आपको न्यूज एक्सप्लेन करता हूं ध्यान दीजिएगा अच्छे से न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया के जो के जो एसेट्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया प्रॉपर्टीज़ होती है उससे ट्रिलियन का पैसा हमें अर्न करना है ऐसा दीपम के सेक्रेटरी साहब का कहना है तो यहां पे तुहिन कांता पांडे तुहिन कांता पांडे ये दीपम के सेक्रेटरी है ये ऑफिसर है उनका यह कहना है कि छे ट्रिलियन का एसेट हम लोग मोनिटाइज मोनिटाइज का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यस एब्सोल्युटली डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेगा okay. so, yes, ये एक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट आपने देखा होगा इंडियन गवर्नमेंट बहुत बार गवर्नमेंट की अपनी प्रॉपर्टीज बेचती है अपने शेयर्स बेचती है 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 कि मल्टीपल चीजें बेची जाती ओके okay. तो उसी के अंडर आ, ये ये दीपम दीपम काम करता है। ये वो डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट कंपनियों के शेयर्स को बेचने का फाइनल डिसीजन लेता है सो so, तुहिन कांता पांडे इनका नाम याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है उनका यह कहना है कि गवर्नमेंट के प्रॉपर्टीज से गवर्नमेंट के शेयर से हम लोग छह ट्रिलियन पैसा अर्न करने वाले हैं आने आने वाले कुछ सालों के अंदर so ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज के शेयर्स बिकने वाले प्रॉपर्टी बिकने वाली है इसका यहां पे अनाउंसमेंट किया गया है ऑफिशियल तरीके से ठीक है आगे बढ़ते गवर्नमेंट से टारगेट ऑफ अचीवल एनर्जी कैपेसिटी एक्सक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट ये डिस पुराना न्यूज है पहले ही हमारे देश के पीएम ने और हमारे देश के प्रेसिडेंट साहब ने ये अनाउंसमेंट पहले भी की हुई थी कि 2022 तक हमें इंडिया में 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना है 175 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय रिन्यूएबल रिन्यूएबल के थ्रू ध्यान दीजिए उस 175 में से हंड्रेड गीगावैट ये सोलर से बनेगा हंड्रेड गीगावाट सोलर से बनाया जाएगा ध्यान रखिएगा ओके okay? उसके बाद हम लोग बात करते सिक्सटी गीगावैट ये आपका बनेगा फ्रॉम द विंड मिल्स होती है उससे हम लोग सिक्सटी गीगावाट बनाएंगे देन टेन गीगावैट बाय द बायो बायोमास इंक्लूड नहीं किए जाएंगे ये एक की बहुत पे चर्चा चल रही थी कि hydro, hydro को भी ऐड कर दीजिए तो लार्ज प्रोजेक्ट ऐड नहीं होंगे स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट यहां पे एड किए जाएंगे तो हंड्रेड गिरावेट बाय द सोलर सिक्सटी बाय द विंड टेन बाय द बायो एंड फाइव बाय द स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट याद रखेगा और बाय 2030, 2030 तक हम लोग 450 गीगावाट ये प्रोड्यूस करने वाले हैं बाय रिन्यूएबल एनर्जी तो 2030 तक 450 गीगावाट 2022 तक 175 गीगावाट हम लोग प्रोड्यूस करने वाले हैं ये अनाउंसमेंट पहले की है बस उसका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था बस उसी ऑफिशियल स्टेटमेंट को यहाँ पे न्यूज के तौर पर आपके सामने डाला गया एग्जाम के लिए याद रखेगा ठीक है यस yes, ओलंपिक्स में रेसलिंग में बॉक्सिंग के अंदर आपको चार मेडल्स uh, मिल जाएंगे चार लोगों को मेडल्स मिलते हैं दो वहां पे ब्रॉन्ज मेडल्स दिए जाते हैं कि ये पॉइंट भी याद रखेगा होता है ऐसा होता है ठीक है अब उसमें अगर आपको कुछ कंप्लेन करनी है तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आपके पास है वहां पर आप बोल सकते हो ठीक है चलो

कर लिया और अभी तक 30 जून तक हमारे पास 38.44 का अचीवमेंट हुआ है बाय रिन्यूएबल एनर्जी यह भी पॉइंट मेंशन किया गया है कि अब देखिए यहां पे

वो सेंट्रल सिस्टम में नहीं जाएगी वो ग्रीड के अंदर नहीं जाएगी तो उसको ऑफ ग्रीड कहा जाता है और जो 175 का टारगेट है वो ऑफ ग्रीड का नहीं है वो ग्रीड का टारगेट है ग्रीड का टारगेट है तो उसको अचीव करने की बात यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की हुई है ध्यान रखिएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट <coughs>

हमने 11 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया था आदर्श सॉरी सांसद आदर्श ग्राम योजना योजना क्या होती है सांसद जो होते हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो रूरल एरियाज को अडेप्ट करेंगे कुछ ग्राम पंचायत को लोग एडेप करेंगे और वहां पर डेवलपमेंट किया जाएगा ओके okay, तो उसके पर्पज से दो में मोदी साहब ने इस योजना को लॉन्च किया था कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आप अपने एरिया में आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर कुछ विलेजेस को अडेप्ट कर लीजिए ये okay, योजना कंपल्सरी नहीं है वॉलंटरी स्कीम है जिसको अडोप्ट करना है करेगा जिसको डेवलपमेंट करना है करेगा इसके लिए कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि कोई फिक्स फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और यह योजना कंपलसरी नहीं है यह वॉलंटरी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए तो अभी देखिए 976 सेवनटी सिक्स ग्राम पंचायत हाव बीन एडॉप्टेड बाई द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अंडर दिस योजना अब इस योजना के अंदर हमने कितने या कितने ग्राम पंचायत अडोप्ट किए गए तो नाइन ग्राम पंचायत है जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने अडॉप्ट किए हुए देखिए विल प्रिपेयर द विलेज डेवलपमेंट प्लान विच इज रोड मैप फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्राम पंचायत देर इज नो प्रोविजन फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस यहां पे कोई भी पैसा प्रोवाइड किया जाएगा या फंड प्रोवाइड किया जाएगा ऐसा कहीं भी नॉर्म नहीं लिखा हुआ है तो प्लीज पैसे के पीछे मत भागिएगा ये आपकी एमपी लैंड स्कीम नहीं है ये सांसद आदर्श ग्राम योजना जहां पे विलेजेस को सांसद अडॉप्ट करेंगे और वहां पे क्या डेवलपमेंट करना है कौन सी चीजें करनी है उसके लिए सांसद के साथ मिलके वो ग्राम पंचायत काम करेगी देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना इज रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ब्रॉडली फोकसिंग अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस विच इंक्लूड सोशल डेवलपमेंट कल्चरल डेवलपमेंट स्प्रेड मोटिवेशन अमॉन्ग पीपल, ऑन द सोशल मोबिलाइजेशन ऑफ द विलेज कम्युनिटी तो यहां पे कुछ डिस्कशन किया जाएगा कुछ प्लान बनाए जाएंगे कुछ मोटिवेशन किया जाएगा उस एंगल में यह प्रोग्राम काम करता है यही पॉइंट मोदी साहब ने मेंशन किया था 2014 में जब इस योजना को लॉन्च किया था गवर्नमेंट की तरफ से ठीक है तो याद रखेगा वेरी वेरी इजी स्कीम यहां पर कोई बजट या कोई फंडिंग की बात नहीं करनी है और स्कीम वॉलेंटरी है कंपल्सरी नहीं है जिस सांसद को गांव को अडेप्ट होगा वो कर सकता है एंड दैट इज पॉइंट एंड सिक्स सॉरी नाइन ये सिक्स नंबर याद रखेगा ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है सिक्स नाइन सिक्स ठीक है चलो आगे बढ़ते सॉरी ना एक एक पॉइंट में भूल गया वेरी सॉरी ओके उनके डॉक्यूमेंटेशन अभी तक हमारे पास नहीं द दर्ड ऑफ ऑगस्ट दिस इज नंबर वी सिक्स सिक्स ओके दिस नंबर इज गोइंग टू बी इंक्रीज टू सिक्स ओके मैं अपडेट आपको कर दूंगा जब भी अपडेशन आएगा वो अपडेट मैं आपको कर दूंगा पर अभी अभी के लिए याद रखिएगा नंबर सिक्स सिक्स है बट विद इन फ्यू

द ड्रग्स कंट्रोलर जनल ऑफ इंडिया एज गि इट्स अप्रूवल फॉर द कंडक्टिंग स्टडी ऑन द मिक्सिंग ऑफ कोवैक्सिन एंड कोविशील्ड इन द कोविड वैक्सीन ठीक है चलो ध्यान रखिएगा <coughs> हाँ मुझे पता है सिक्स नाइन नाइन मैंने मैंने ही न्यूज़ बताई तो मुझे पता है एग्जैक्ट नंबर क्या था मैं बस बता रहा हूँ कि नंबर विल भी चेंज नंबर जल्दी चेंज होने वाला है यही मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ उसके तरफ ध्यान रखिएगा ठीक है चलो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया इनका नाम है वीजी सोमानी साहब वीजी सोमानी साहब उनका नाम है वी ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट दैट इनके ऊपर हमने आ, बात की हुई है ओके आई डिस्कस विथ यू कि नंबर बाद में चेंज होगा जब चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये मैंने क्लियर किया हुआ है तो अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए मैंने पहले भी क्लियर कर दिया आपको कि आई एम गोइंग टू टेल यू द नंबर आफ्टरवर्ड्स ठीक है सो वीजी सोमानी इज़ द नेम ऑफ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नाम है इन्होंने परमिशन दे दिए कि कोवैक्सिन और कोविशील्ड वैक्सीन अगर हमनेग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा ठीक है अगर हमने ये, ये अगर हमने मिक्सिंग तरीके से दी पहला डोज अगर हमने कोवैक्सिन का दे दिया दूसरा डोज अगर हमने कोविशील्ड का दे दिया तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या प्रॉब्लम नहीं होगी इसका टेस्टिंग किया जाएगा टेस्टिंग किया जाएगा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर वेल्लोर में यहां पे टेस्टिंग किया जाएगा यहां पे 300 हेल्दी वॉलेंटियर्स को इंक्लूड करेंगे और उनको एक डोज कोविशील्ड और दूसरा और फिर चेक करेंगे बलराम भार्गवा साहब आईसीएमआर के हेड है नाइनटीन में आईसीएमआर क्रिएट किया गया था नो आई का यह कहना है कि आईसीएमआर का ये कहना है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है प्रॉब्लम नहीं होता नहीं है हमें चेक भी करना पड़ेगा एंड दैट्स वाई हमारे वीजी सोमानी साहब ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया इनका यह कहना है कि हम पहले चेक करेंगे हमें पहले टेस्टिंग करनी पड़ेगी क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ेंगे अगर सब कुछ सही दिखते तो आईसीएमआर की बात को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे ये बहुत अच्छा अप्रोच है बहुत ही अच्छा अप्रोच है आईसीएमआर ने बोल दिया इसलिए ब्लाइंडली हम लोग भरोसा नहीं करेंगे वैसे आईसीएमआर बड़ी अच्छी अथॉरिटी है पर उनके पास क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं है सो डीसीजीआई ने क्लिनिकल ट्रायल्स की परमिशन दे दी एंड क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर well के अंदर ये ट्रायल्स किए जाएंगे 300 हेल्दी वॉलेंटियर्स के ऊपर और बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये सही में इफेक्टिव है कि नहीं है ये ध्यान रखिएगा ओके okay? तो पैसे आईसीएमआर ने बोलने के बाद भरोसा तो बैठ जाता है पर भरोसे के ऊपर दुनिया नहीं चल सकती हमें कुछ और भी फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक करने पड़ेंगे और वही पॉइंट मेंशन किया गया है कि okay? uh, <coughs> मैं कंफ्यूज कर रहा हूं कि okay? देखिए मैंने आपको पहले भी मेंशन कर दिया ओके okay, uh, कि 676 के बाद वो 696 में कन्वर्ट होगा मैंने खुद ही बोला ओके okay, तो पहले सुन लीजिए बातों को ओके okay, अपने जज्बातों को एक्सप्रेस करने से पहले पहले बातों सुन लीजिए ओके गुड लिसनर इज ऑलवेज अ गुड साइन फॉर द गुड ऑफिसर्स ठीक है हमेशा याद रखिएगा ठीक है चलो यस yes. uh, अगर उन लोगों ने टेस्टिंग के टाइम डेथ हो गया तो क्या करेंगे ओके okay. टेस्टिंग के टाइम डेथ हो गया तो डेथ तो नहीं होता है पहली बात तो डेथ नहीं होगा हम उसकी तरफ ध्यान रखने वाले डेथ तो नहीं होगा डेथ अगर हो जाता है तो जो हेल्दी वर्कर्स हम इंक्लूड करते हैं ना मैम उनका आ, आ, उनके ऊपर ना पहले हम लोग एग्रीमेंट साइन करते हैं अगर सपोज कुछ हो गया सपोज कुछ प्रॉब्लम हो गई के, तो हु विल बी हुपॉन्सिबल ये पहले डिसाइड किया जाता है यह पॉइंट हमें शायद रखेगा तो जब भी हम टेस्टिंग करते हैं किसी भी किसी भी मेडिसिन का जब टेस्टिंग किया जाता है तो जो वॉलंटियर होते हैं वॉलंटियर्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि सपोज कुछ हो गया तो क्या होगा कि अगर वो रिस्क लेने के लिए रेडी है तो फिर उनको इंक्लूड करेंगे नहीं तो इंक्लूड नहीं करेंगे तो एट रैंडम किसी को भी उठा के हम वैक्सीन नहीं देते हम पहले उनके साथ चेक करेंगे ठीक है तो ये पॉइंट पे किए ध्यान रखिएगा ठीक है ठीक है ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिए सो दैट विल बी द पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट ठीक है सो दे दे आर गोइंग टू फर्स्ट चेक पहले चेक करेंगे ठीक है uh, उनकी फिर अगर कोई भी कॉम्प्लीकेशन आता है तो कॉम्प्लिकेशन के हिसाब तो से ट्रीटमेंट उनको दी जाएगी सपोज डेथ भी हो जाती है ओके okay? तो उसके लिए एग्रीमेंट साइन होता है फैमिली को कितना पैसा मिलेगा एग्जैक्टली exactly किस तरीके से कॉम्पेसेशन मिलेंगे ये सारी चीज़ें क्लियर की जाती है किसी भी टेस्टिंग के पहले ओके okay? तो वही टेस्टिंग यहाँ पे आई के थ्रू की जाएगी ध्यान रखेगा ओके okay? uh,

अभी गवर्नमेंट अभी सॉरी आरबे का ये कहना है कि दस घंटे से ज्यादा के टेन आर से ज्यादा अगर पूरे पूरे मंथ में टेन आर से ज्यादा अगर आपके एटीएम के अंदर नो no कैश होती है तो आपके ऊपर दस हजार का फाइन लगाया जाएगा के व्हाइट लेबल एटीएम का मतलब क्या होता है एटीएम बिलोंग्स टू बैंक जो बैंक के एटीएम होते हैं उनको व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है

ब्राउन लेबल एटीएम आर द ए बाय द आउटसोर्स मीस सपोज जैसे टाटा का अपने एक एटीएम देखा होगा टाटा टाटा के भी एटीएम आते हैं टाटा की तो बैंक है नहीं के, पर टाटा किसी के साथ टाइप करके अपने ए का चेन चला सकता है के तो वो ब्राउन लेबल के अंदर चला जाएगा सो so आउटसोर्स किसी और को दिया गया चलाने के लिए नॉर्मली इंडिया में आउटसोर्स ए बहुत कम है दिखेंगे नहीं आपको मोस्टली आपको वाइट लेबल ए ही दिखने वाले के आ, <coughs> Yes, the RBI has notified the enhancement of the collateral free loans to self-help groups from 10 lakhs to uh, 20 lakhs under Deendayal Antodayojana de National Rural Livelihood Mission.

रियाज में जॉब्स के लिए लाइवलीहुड का मतलब है कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो या आपको जॉब्स मिल सकते हैं उस परपस के लिए स्किल एजुकेशन दिया जाएगा अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको फंड प्रोवाइड किए जाएंगे तो लाइवलीहुड का मतलब है कि जीने के लिए पैसा कमाने के लिए आपको मदद की जाएगी तो ये योजना हमारे कंट्री में 1999 से तब उसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना दो में नाम चेंज कर दिया नाम रख दिया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और उसी के अंदर अभी नाम चेंज कर दिया है दीनदयाल अंत्योदय योजना याद रखेगा अब न्यूज क्या है आरबीआई ने यह कहा है कि इस योजना के अंदर पहले 10 लाख तक का लोन मिलता था अभी लोन मिलेगा 20 लाख का

40 परसेंट लोन ये प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना कंपलसरी है ये रूल आरबीआई ने गवर्नमेंट के साथ मिलके 1972 में क्रिएट किया था आपको अच्छे से याद होगा अब उसके अंदर मिनिमम टेन परसेंट का जो लोन है वो वीकर सेक्शन को देना पड़ता है और उसी के अंदर ये एनआरएलएम 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 आता है उसी के के तो के अंदर sorry, के अंदर अंदर आएगा तो मिनिमम भी सॉरी वीकर सेक्शन देना पड़ेगा तो पहले दस लाख ,00 तक का लोन अमाउंट मिल रहा था अभी उसको बढ़ा दिया गया है अभी उसको बीस लाख ,00 कर दिया है ध्यान रखिए इसी चालीस में अठारह एग्रीकल्चर को देना कंपलसरी है ये भी आपको याद होगा पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर ये कंसेप्ट यहां पे आएगा ठीक है देखिए डीएवाई एनआरएलएम प्रमोट्स पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू द बिल्डिंग स्ट्रॉ इंस्टीट्यूशन फॉर द पुअर तो हमें पॉवर्टी रिडक्शन करना है ताकि विलेज एरियाज में जॉब क्रिएट हो सके या वहां पे बिजनेस क्रिएट हो सके द फॉर लोन्स ऑफ एस एस जी अपू टेन लैक नो कोलेटर एंड द नो मार्जिन विल बी चार्ज के तो so, यहां पर कोई मार्जिन नहीं रहेगी सो uh, so, यहां पर ऐसी कोई चीजें मैंशन नहीं की जाएगी Uh, ये सारे एग्जाम्स के लिए ये मत समझे कि ये केवल बैंकिंग एग्जाम के लिए सारे एग्जाम्स के लिए मैं केवल बैंकिंग एग्जाम के एंगल में एक्स्ट्रा पॉइंट आपको इंक्रीज बता रहा था ओके okay? पर ये न्यू सारे एग्जाम्स के लिए बिकॉज होता क्या है कि जो हमारा अंत्योदय योजना है Okay, या फिर हमारी एनआरएलएम स्कीम है ये पूरे देश के लिए और Government of India implement करती है तो सारे में इसके ऊपर पूछेंगे अब no मतलब no मतलब okay, मतलब इंटरेस्ट रहेगा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको ई जो भी रहेगा आपको पे करना पड़ेगा पर आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं बिना गिरवी रखे आपको यहाँ पे लोन मिल सकता है अंडर दिस स्कीम अगेन आरबीआई ने नॉर्म क्रिएट किया मैंने क्यों क्रिएट किया बिकॉज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नाम का है और उस के अंदर ये एनआरएलएम वाले लोन आते हैं और ये पॉइंट पे मेंशन किया गया है, ठीक है ठीक है? के सबको समझ में आ गया कोई कोई डाउट है यहाँ पे? के okay, कोई क्वेश्चन पूछना है आपको तो आप पूछ सकते हो, न्यूज okay? है, है okay? आंसर आपको मिल गया जो आपने पूछा हुआ था okay? यस एनी अदर क्वेश्चन ऑल ओके आगे बढ़े यस रिन्यूएबल एनर्जी भी आते हैं वीकर सेक्शन आता है एजुकेशन हेल्थ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी आता है सुजीत एक्सपोर्ट को भी ऐड कर दीजिए एक्सपोर्ट भी हमारे uh, या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ये दो पॉइंट शायद आप भूल गए लिखने के लिए तो एक्सपोर्ट और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आते हैं के, के? अगर ये लोन देखिए लोन चुकता ना करे तो भाई लोन चुकता ना करे तो उसके लिए जो एक्शन लेनी हो एक्शन ली जाएगी के

आरबीआई या बैंक माफ नहीं करती फार्मर का लोन गवर्नमेंट माफ करती है तो लोन माफ करने का मतलब है कि पैसा उस पर्सन को नहीं देना पड़ेगा पैसा गवर्नमेंट देगी तो जब हम फार्मर का लोन माफ करते हैं तो फार्मर को पैसा वापस करने की जरूरत नहीं फार्मर के बिहाफ में गवर्नमेंट यह पैसा बैंकों को वापस करेगी तो अगर लोन चुकता ना करे तो भाई रिकवरी कैसे की जाती है वो तो फिर गवर्नमेंट देख लेगा वो तो सॉरी वो तो बैंक देख लेगा ठीक है चलो ठीक हो गया ऑल ओके यस 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 चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे यस आरबीएल बैंक हैज बीन एमपैनल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज एन एजेंसी बैंक टू कंडक्ट द बैंकिंग बिजनेस फॉर द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट याद है एजेंसी बैंक लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एजेंसी बैंक वाला कंसेप्ट यस yes, बैंक याद होगा आपको यस yes बैंक के एंगल में कोटक महिंद्रा एस डी एफ सी पीएनबी ये सारे मैंने आपको बताया था कि ये बैंक करके रिक्रूट कर उनके बिहाफ में काम करती है उनकी योजनाओं को इंप्लीमेंट करती है उनके कर्मचारियों को पेंशन देती है या उनके कर्मचारियों के लिए कुछ योजनाओं को हैंडल करती है तो ऐसे बैंक को एजेंसी बैंक कहा जाता है पहले इंडिया में एक ही एजेंसी बैंक थी एस बी आई Okay. तो अभी भी बहुत सारे पुराने नोट्स के अंदर आपको दिखेगा कि इंडिया इंडिया की एजेंसी बैंक कौन सी है एसबीआई अभी बैंक ये इसका पहले फुल यूज किया करते थे आजकल फुल फॉर्म यूज नहीं करते मुंबई में, में हेडक्वार्टर है रत्नाकर बैंक लिमिटेड पहले कोऑपरेटिव बैंक थी बाद में इसको कमर्शियल बैंक में हमने कन्वर्ट कर दिया अब इसको भी एजेंसी बैंक बना दिया गया है तो गवर्नमेंट के बिहाफ में देखिए सेंट्रल स्टेट टैक्सेस एक्साइज ड्यूटीज कस्टम्स प्रोफेशनल टैक्स या बाकी जो भी योजनाएं होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो बैंकों के थ्रू इंप्लीमेंट की जाती है उसको भी अभी आरबीएल बैंक इंप्लीमेंट करेगा तो इसको एजेंसी बैंक कहा जाता है ध्यान रखेगा यस इंडस एंड बैंक की भी हमने बात की थी एप से लिखे आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर नहीं है आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है रत्नाकर बैंक लिमिटेड वॉज द ओरिजिनल नेम और महाराष्ट्र बेस पहले कोऑपरेटिव बैंक थी बाद में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया अंडर दिस सॉरी

तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि भाई राजीव गांधी जी के नाम पर हम लोग अवार्ड शुरू करते इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड अब ट्विटर पे काफी बवाल हुआ कि काफी लोग शुरू हो गए ट्विटर पे ना पब्लिक को बस मौका चाहिए टाइम पास करने के लिए दे स्टार्टेड ओके अब राजीव गांधी जी के नाम पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड क्यों दिया गया बिकॉज गांधी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इंडिया में कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस किया था जिन्होंने इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था ओके okay. ये तो कोई गलत नहीं है ये ये रियालिटी है कि ये सबसे बड़ी रियालिटी है एंड दैट्स वाई राजीव गांधी जी के नाम पर हमने या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड यहाँ पे स्टार्ट किए हुए तो ये एक पॉइंट याद रखेगा के? अब यहां पे पॉलिटिकल चीजें बहुत ज्यादा है पर हमें पॉलिटिकल चीजों में जाने की जरूरत नहीं है अभी बीस अगस्त को उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, है वहां पे ये पहली बार अवार्ड दिया जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एंगल में याद रखेगा एंड दैट टाइम ही इंट्रोड्यूस द आई टी सेक्टर इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम उसके बाद राव साहब ने थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाया था और अटल जी के टाइम पे आईटी सेक्टर और आगे बढ़ गया था काफी अच्छे से सो so, अटल जी ने भी काफी अच्छी मेहनत

Uh, प्रधानमंत्री सॉरी uh, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इस नाम से पीएम स्वनिधि नाम की स्कीम है लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी दस हजार तक का लोन हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोवाइड किया जाएगा इस, इस योजना के अंदर यूपी में काफी अच्छे से इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया यूपी सबसे रनर थी इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए यह भी डेटा आपने देखा होगा okay. अब देखिए राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे एक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना लॉन्च कर दी जहां पे पचास हजार तक का पैसा या लोन दिया जाएगा यह इंटरेस्ट फ्री लोन है पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा इंटरेस्ट फ्री लोन का 18 -40 के एज ग्रुप में लास्ट लॉन्च की थी जहां पे दस इंडिया के स्ट्रीट वेंडर्स को दिए जाएंगे के, अगेन आपको यह भी पता होगा जोमैटो और स्विगी ने भी टाइप किया था जो होता ना जैसे बाबा का ढाबा जैसे लोग होते के, उनके खाने को घरों तक पहुंचाने के लिए भी स्विगी और जोमैटो ने पीएम स्वनिधि की मदद से एग्रीमेंट साइन किए थे अलग अलग सिटीज में के okay. तो ये भी आपको होगा हमारी अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री पीएम स्वनिधि योजना के okay? वो उन मिनिस्ट्री के अंडर आती है और स्विगी एंड जोमेटो इन्होंने अलग अलग एग्रीमेंट साइन किए थे कि स्ट्रीट वेंडर जो स्ट्रीट फूड वेंडर से उनके फूड को घरों तक पहुंचाने के लिए तो ये भी एक पॉइंट याद रखेगा ठीक है चलो आ, <coughs> इंडस्ट्री का मतलब क्या होता IT Ministry, Infosys, Wipro, होंगे, होंगे, IT है आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री दोस्त थी योजना राजस्थान गवर्नमेंट की इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम के इसके अंदर इस योजना को इंप्लीमेंट किया जाएगा यह भी गहलोत साहब ने यहां पे मैंशन किया हुआ है ठीक है चलो ऑल uh, ओके okay. <coughs> आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते

कि बैंक एग्जैक्टली exactly किस तरीके से वर्क कर रही है इसकी सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली और आरबीआई तक पहुंचाने की जिम्मेदारी महेश साहब की रहेगी जो डीएसबी बैंक के साथ काम करेंगे इनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है आई डी बी आई बैंक बाकलेस बैंक यूरोपियन कंट्रीज में काम कर चुके रामा साहब वन ऑफ द वेरी फेमस बैंकर अभी यस बैंक के लिए एज ए सीआईओ इनको अपॉइंट किया गया है यस बैंक के हेड है प्रशांत कुमार नाम याद रखेगा 2004 में यस बैंक को क्रिएट किया गया था अभी बंद होते होते बैंक बची हुई है एसबीआई की मदद से बाकी बैंकों की मदद से वापस एक बार एस बैंक ने अच्छे से काम करना शुरू कर दिया है ठीक है आगे बढ़ते

इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है मंथ ऑफ सेप्टेम्बर में तब इनको ये अवार्ड से नवाजा जाएगा बस एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर इस बैंक का दीवाला निकला नहीं दीवाला निकला था अभी बैंक अच्छे से वर्क कर रही तो यस बैंक इज डूइंग गुड जॉब ओके तो अभी अभी सही तरीके से काम कर रही बैंक बंद हो रही थी के? इंडियन कंपाउंड आर्चरी गर्ल्स एंड द मिक्स टीम ब्रोक द टू जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड इन पोलैंड पोलैंड में uh, महिलाओं के आर्चरी टीम ने पार्टिसिपेशन किया एंड दे ब्रोक द रिकॉर्ड ओके देखिए प्रिया गुर्जर नीत कौर रिधु वाशिनी एंड सेंथिल कुमार के ये चार लड़कियां इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन्होंने देखिए 2067 शूट किए आउट ऑफ 2160 रिकॉर्ड था अभी तक 2045 का के ये रिकॉर्ड इंडिया की लड़कियों ने यहां पे ब्रेक किया है आज के टूर्नामेंट में पोलैंड के अंदर टूर्नामेंट थी एंड दे ब्रोक द रिकॉर्ड जूनियर लेवल की टूर्नामेंट है जूनियर लेवल पे खेल रही थी तो टू का रिकॉर्ड था यूएसए का आउट ऑफ टू और उन्होंने टू ये शूट किया दिस इज़ इज़ द द द नंबर एवर इन टूर्नामेंट एंड दैट्स ये ये रिकॉर्ड बहुत मैटर करेगा पोलैंड के अंदर ये था करेंसी ऑफ द पोलैंड याद रखेगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है ठीक है नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया फॉर

करेंगे फॉर आरबीआई याद रखिए आरबीआई कहता है इज द नेम ऑफ द कैंपेन ओके एक और चीज आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलता है ओके okay. और इस बार का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है शाकिबुल हसन को ये अवार्ड दिया गया ओके यस गाइस आपको ये अच्छे से पता होगा सो क्रिकेटर्स yes, भी आते हैं पर जो क्रिकेटर्स आते हैं ना उस आरबीआई कहता कि एड में वो क्रिकेटर्स होते हैं जैसे सारे के एल सारे, राहुल की बात करेंगे उमेश यादव है तो एम्प्लॉय से अलग से कैंपेन है, है, है उस कैंपेन में बच्चन साहब थे अभी नीरज साहब यहाँ पे रहेंगे याद रखेगा ओके सो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड आपके पास है okay. पहला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवर्ड मिला था ऋषभ पंथ को आपको याद होगा पहला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ऋषभ पंथ मिला था ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अमेजिंग परफॉर्म

लाइक हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए ध्यान रखिए कि मिलते कल के सेशन में और हम बात करेंगे हमारे बच्चे करंट अफेयर्स के ऊपर तब तो तक के लिए बाय बाय टेक केयर सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा बाय